मेरा सवाल है कि जो उस्ताद डोनेशन देकर उस्ताद बनते हैं वो क्या हो गया? तो हो ही चुका है, मतलब सवाल सब सेम आ रहे हैं। तो डोनेशन दे के अगर आदमी अहलियत नहीं रखता है तो जॉब नहीं लेना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा होता है कि सब इक्वल कैपेसिटी के टीचर्स होते हैं लेकिन बगैर डोनेशन दिए सलाहियतमंद को भी जॉब नहीं मिलता है, तो अगर अपना हक पाने के लिए आदमी मजबूरन डोनेशन देता है तो उस पर कोई गुनाह नहीं है कि उसके वाकई अच्छे मार्क्स हैं, उससे कम मार्क्स वालों को जॉब मिल रहा है, इसको नहीं मिल रहा है, क्यों? इसलिए कि डोनेशन नहीं दे रही है। तो अब ऐसी सूरत में अगर वो डोनेशन देता है तो एक मजबूरी है जिसके बगैर आदमी के लिए कोई रास्ता नहीं था, वो अपनी सलाहियत की बुनियाद पर जॉब ले रहा है लेकिन मजबूरन डोनेशन देना पड़ रहा है उसको।